लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटे के बटन को दबाएं। बीजेपी मुख्यालय में उनका पार्थिव शरीर रखा गया, ये आप देख सकते हैं। उनको तिरंगे में सजाया गया, तिरंगा उनको उड़ाया गया, नम आंखों से उनको विदाई देते हुए सभी कार्यकर्ता सलामी उनको दी गई। उनकी बेटी ने उनको सलामी दी। स्मृति ईरानी को आप देख सकते हैं, शिवराज सिंह चौहान, तमाम बड़े नेता बीजेपी के इस मुख्यालय में मौजूद। जिस समय तिरंगे में लपेटा जा रहा है पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को, उस समय की ये तस्वीरें। पहले तिरंगा उड़ाया गया, फिर उनको सलामी दी गई। आप देख सकते हैं उनकी बेटी को सलामी देते हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने उनको बीजेपी का ध्वज उड़ाया था, आप देख सकते हैं। राजनाथ सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा कंधा देते हुए उनके पार्थिव शरीर को अपने अंतिम विदाई सफर पर निकल पड़ी हैं सुषमा स्वराज। आज आखिरी बार बीजेपी के दफ्तर पहुंची, उनका पार्थिव शरीर यहां पर लाया गया और अब अंतिम संस्कार से पहले का सफर आप देख सकते हैं। वहां कितनी संख्या में लोग मौजूद हैं उनके अंतिम दर्शन करने के लिए, उनको अंतिम विदाई देने के लिए। सिर्फ दिल्ली के ही नहीं, लोग ही बाहर से लोग पहुंचे हैं उनके अंतिम सफर का हिस्सा बनने के लिए, अपने प्रिय नेता की झलक पाने के लिए। करिश्माई नेता थी सुषमा स्वराज, आत्मविश्वास से भरपूर, मृदु भाषा का सौम्यता व सादगी के प्रति मोड़ थी, ओजस्वी भाषण दिया करती थी। प्रधानमंत्री जब अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे तो भावुक हो गए। लाल कृष्ण आडवाणी भी भावुक हो गए और आंखें नम थीं। और ऐसा नहीं था सिर्फ उनके साथ जो बीजेपी के नेता थे उन्हीं की आंखें नम थीं, तमाम विपक्षी दलों के नेता थे उनकी भी आंखें नम थीं। ये आप देख सकते हैं, उनकी बेटी सलामी देती हुई, अंतिम विदाई देती हुई, उनके पति ने भी उनको सलामी दी। और अंतिम दर्शन के बाद अब उनका काफिला, उनका सफ़र अंतिम शुरू हुआ।